हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम दादाभाई नौरोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इनसे संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं वो सारे कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले हम वेरियस पर्सनैलिटी पर वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, माई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इस वीडियो में दादाभाई नौरोजी पर फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डाटा विस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेन वाज दादाभाई नौरोजी बॉर्न। दादाभाई नौरोजी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 4 सितंबर 1825। 4 सितंबर 1825 में दादाभाई नौरोजी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म नवसारी में हुआ था, जो उस टाइम बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। और अभी करंट में नवसारी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, करंटली ये गुजरात में लोकेटेड है नवसारी। तो इनका जन्म यहाँ हुआ था 4 सितंबर 1825 में। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु आर द फाउंडर ऑफ गुजराती न्यूज़पेपर रस गोफ्तार। गुजराती न्यूज़पेपर रस गोफ्तार के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, दादाभाई नौरोजी एंड खुर्शेद जी कामा। ये दोनों रस गोफ्तार न्यूज़पेपर के संस्थापक थे। और इस न्यूज़पेपर को कब स्थापित किया गया था? तो इसको 1854 में इसको स्टार्ट किया गया था, रस गोफ्तार न्यूज़पेपर को, दादाभाई नौरोजी एंड खुर्शेद जी कामा के द्वारा। नेक्स्ट है, विच एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन लंदन बाय दादाभाई नौरोजी इन 1866। 1866 में दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस एसोसिएशन का स्थापना किया गया था? तो यहाँ आपको बताना है, दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में किस एसोसिएशन का स्थापना किए थे? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादाभाई नौरोजी द्वारा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया गया था लंदन में। नेक्स्ट है, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो यहाँ आपको बताना है, भारत में फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम का अनुमान किनके द्वारा लगाया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी के द्वारा फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया गया था। और ये कब किए थे? तो ये 1870 के आसपास में किए थे। और उस टाइम 20 रुपया इनके द्वारा पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया गया था। 20 रुपया पर कैपिटा इनकम इनके द्वारा कैलकुलेट किया गया था 1870 के आसपास में। और यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहता हूँ। मैं इससे पहले इंडियन इकोनॉमिक्स पे लगभग 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन कवर किया हूँ एक ही वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं, मैं आई बटन पे लिख दे दूंगा। नेक्स्ट है, व्हेन दादाभाई नौरोजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886, वेयर वाज द सेशन हेल्ड। जब 1886 में दादाभाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आपको बताना है, ये सेशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था 1886 में, जब दादाभाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है कलकत्ता। ये सेशन कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किया गया था 1886 में, जब दादाभाई नौरोजी प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है, द सेकेंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आपको यहाँ बताना है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, तो इसके सेकेंड सेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो जैसा कि जान ही रहे होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, तो इसका स्थापना 1885 में हुआ था और फर्स्ट प्रेसिडेंट औमेश बनर्जी बने थे। लेकिन ये आपको सेकेंड प्रेसिडेंट बताना है, जो 1886 में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ये सेकेंड प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस किए। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनिशियली इट वॉज कॉल्ड एज इंडियन नेशनल यूनियन, बट ऑन हुज सजेशन इट नेम वॉज चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। प्रारंभ में इसे इंडियन नेशनल यूनियन कहा जाता था, लेकिन किसके सुझाव पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मेंबर के रूप में चुने गए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड दादाभाई नौरोजी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कब चुने गए थे? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1892। 1892 में दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। और 1892 में जनरल इलेक्शन में यूके के क्विंसबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे। क्विंसबरी सेंट्रल से लिबरल पार्टी के लिए 1892 में चुने गए थे दादाभाई नौरोजी। और इन्होंने 1892
बाइबल पर शपथ लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह कहकर मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, इसलिए इन्होंने बाइबल पर शपथ लेने से इनकार कर दिया था। यह भी इम्पोर्टेंट है। और ये 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग बुक वॉज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड दादा भाई नौरोजी रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक कब लिखे थे? तो ये आपको बताना है, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब लिखा गया था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है, 1901, 1901 में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे थे। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन बुक हैज दादा भाई नौरोजी डिस्क्राइब हिज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किए हैं? ये आपको बताना है, ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी किस बुक में डिस्क्राइब किए हैं? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का डिस्क्राइब किए हैं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1906? निम्न में से किस लीडर ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो यहाँ आपको बताना है, किस लीडर ने कांग्रेस के कलकत्ता सेशन का अध्यक्षता किए थे 1906 में? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता सेशन का अध्यक्षता किया गया था 1906 में। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द वर्ड स्वराज वाज अटर फॉर द फर्स्ट टाइम बाई दादा भाई नौरोजी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का उच्चारण किया गया था? तो आपको बताना है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा फर्स्ट टाइम कांग्रेस के किस सेशन में स्वराज शब्द का उच्चारण किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, कलकत्ता सेशन ऑफ 1906, 1906 के कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का यूज किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी स्वराज मीन्स, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, सेल्फ गवर्नमेंट। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टाइम? दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ आपको बताना है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कितना बार बनाया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, थ्री। ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और ये किस किस वर्ष बने थे तो ये भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट टाइम 1886 में कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष बने थे, देन सेकेंड टाइम ये 1893 में लाहौर सेशन के अध्यक्ष बने थे, देन थर्ड टाइम ये 1906 में कलकत्ता सेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो यहाँ आपको बताना है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, और इनको अनऑफिशियल अम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी को अनऑफिशियल अम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और अनऑफिशियल अम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किंग्स आर मेड फॉर पब्लिक, पब्लिक इज नॉट फॉर द किंग, हु एमंग द फ्लोइंग मेड हिज स्टेटमेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट? राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने हैं, निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा दिया गया था? तो यहाँ आपको बताना है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी। ये स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड दादा भाई नौरोजी डाइड? दादा भाई नौरोजी का मृत्यु कब हो गया था? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है, 30 जून 1917, 30 जून 1917 में दादा भाई नौरोजी का मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। और इनसे रिलेटेड यदि और क्वेश्चन छूट गया हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, एंड यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई क्वेरी है तो भी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए सचमुच में हेल्प रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।